Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And after a long time, I will come back to my favorite topic, that is educational psychology, and in which today I am going to discuss methods of educational psychology. Actually, there are mainly five methods of educational psychology which has been discussed in BA, BEd, and MA, MEd courses. That is introspection, observation, clinical method, experimental method, and case study, in which I have already a separate video on experimental method and case study. Hence, in this video, I am going to cover only introspection, observation, and clinical method. However, a previous video of mine is available on these methods, but this is an old video and there is no PPT, so less visible to students who are observing on mobile. Hence, I am recording it second time. So, do subscribe my channel and it will be useful for various competitive teaching examinations as well as for your general understanding about the basic conceptual understanding about educational psychology. Okay? So, first of all, introspection. जब भी आप शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट वो आपको बताता है और आपसे पूछता है कि कंसेप्ट, नेचर और स्कोप बताइए, उसका संप्रत्यय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और इसका विषय क्षेत्र क्या है. उसके बाद वो कहता है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीन्स कि शैक्षिक मनोविज्ञान में किन तरीकों से अध्ययन किया जाएगा, वो तरीके क्या है अध्ययन करने के. अध्ययन किसका करना है, व्यवहार का. व्यवहार का विज्ञान चल रहा है जब ओरिजिनली जब बात हो रही है इस पर, या वो कौन से रिसर्च मेथड्स हैं जिनसे कि और रिसर्चेस होती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में. ये है मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो ये इंट्रोस्पेक्शन जो है वो सबसे पुराना मेथड है और ऑब्वियसली अब यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमको शुरुआत से जानना होता है कि अब तक कौन कौन से मेथड आके ऑब्सोलीट होके चले भी गए. तो इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्दर्शन सबसे पुराना मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र में. हिस्टोरिकली इंट्रोस्पेक्शन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ऑल विच वॉज फॉर्मरली यूज इन फिलोसफी. मतलब पहले ये दर्शन में यूज किया जाता था. आपको पता है कि फिलोसफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, सारे विज्ञान जो है वो दर्शन से ही निकले हैं. साइकोलॉजी बहुत दिनों तक फिलोसफी का हिस्सा था और बहुत बाद में फिलोसफी से अलग हुआ है. तो एंड देन इन साइकोलॉजी टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट. आपको पता है कि चूंकि ये ओल्डेस्ट मेथड है तो इस आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि सबसे पुराना मेथड है तो उस वक्त साइकोलॉजी की डेफिनेशन या डेफिनेशन क्या थी. तो उस वक्त साइकोलॉजी की डेफिनेशन कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट थी. इसलिए ये मेथड जो है साइकोलॉजी में डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. किसका डेटा, सब्जेक्ट के कॉन्शियस एक्सपीरियंस को कलेक्ट करने के लिए. यानी कि जो विषय है, जो सब्जेक्ट है जिस पर अध्ययन करना है आपको, उसके जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, मतलब वो अनुभव जो उसकी चेतना में हो रहे हैं, सचेतन अनुभव जो है उसके, उसके आंकड़ों के संग्रहण के लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता रहा, इंट्रोस्पेक्शन, जो कि बहुत पुराना मेथड है, सबसे पुराना मेथड है, पहले फिलोसफी का हिस्सा था. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, मींस टू सी विद इन वन सेल्फ और सेल्फ ऑब्जर्वेशन यू कैन से. मतलब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना, या आप कह सकते हैं कि स्वयं का प्रेक्षण करना, यही इंट्रोस्पेक्शन है. टू अंडरस्टैंड वंस ओन मेंटल हेल्थ एंड द स्टेट ऑफ माइंड. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है कि आपको अपने अंदर देखना है, अपना स्वयं का परीक्षण करना है, प्रेक्षण करना है और अपने मानसिक स्वास्थ्य को समझना है और अपने मन की दशा को समझना है. फिर दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाई दी स्ट्रक्चरलिस्ट इन साइकोलॉजी हु डिफाइंड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस ऑफ द इंडिविजुअल. मैंने कहा ना कि जब आप एकदम ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को डिफाइन किया. जब आप विलहेम वुंच की बात करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चरलिस्ट कौन थे, उन्होंने क्या कहा. स्ट्रक्चरलिस्ट वो थे जिन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश की और उन्होंने कहा साइकोलॉजी जो है वो मन के स्ट्रक्चर का मतलब चित्रण है. बाद में ये इसीलिए फेल हो गया कि लोगों ने कहा कि मन कितना मुश्किल है, कितना कॉन्शियस है, कितना सबकॉन्शियस है, कितना अनकॉन्शियस है, कैसे आप मन की संरचना समझेंगे. तो बाद में जो लोग आए साइकोलॉजी में, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं वो फंक्शनलिस्ट कहलाए. उन्होंने कहा मन के संरचना का अध्ययन करने से आसान है कि आप मन के कार्य का अध्ययन कीजिए. इसीलिए ये संरचनावाद कहलाते हैं, वो प्रकार्यवाद कहलाते हैं. मेरा एक ऑलरेडी वीडियो स्ट्रक्चरलिस्ट वर्सेस फंक्शनलिस्ट पे है, आप उससे पढ़कर, उससे सुन के स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट को समझ सकते हैं. लेकिन हमको ये ध्यान देना होगा कि जब इंट्रोस्पेक्शन मेथड आया
कौन सी विधा चल रही थी? स्ट्रक्चरलिस्ट थे जो पॉपुलर थे साइकोलॉजी के फील्ड में, और उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियस मतलब व्यक्ति के सचेतन अनुभवों का अध्ययन है, इसीलिए ये मेथड चला कि ये व्यक्ति के सचेतन अनुभवों का अध्ययन करेगा। इतना समझेंगे तब समझ पाएंगे, सिर्फ रटने की जरूरत नहीं है। फिर इंट्रोस्पेक्शन इज ए मेथड ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया। द वर्ड इंट्रोस्पेक्शन इज मेडअप ऑफ टू लैटिन वर्ड्स, दो लैटिन के शब्दों से मिलकर बना है ये। इंट्रो मीनिंग विद इन, इंट्रो का मतलब अपने अंदर, स्वयं के अंदर। इंस्पेक्शन मीनिंग लुकिंग, और इंस्पेक्शन का मतलब देखना, तो अपने अंदर देखना। हेंस इट इज ए मेथड वेयर एन इंडिविजुअल इज लुकिंग विद इन सेल्फ, इसलिए वो तरीका है जिसमें जो व्यक्ति है वो अपने अंदर देखता है। इन इंट्रोस्पेक्शन द इंडिविजुअल पीप्स इनटू हिज ओन मेंटल स्टेट एंड ऑब्जर्व्स हिज और हर ओन मेंटल प्रोसेसेस। तो इंट्रोस्पेक्शन या अंतर्दर्शन में जो व्यक्ति है वो अपनी मानसिक दशा के अंदर देखता है, झांकता है और अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का प्रेक्षण करता है। स्टाउट कंसिडर्स दैट टू इंट्रोस्पेक्ट इज टू अटेंड द वर्किंग ऑफ वंस ओन माइंड इन ए सिस्टमेटिक वे। स्टाउट ने कहा कि इंट्रोस्पेक्ट का क्या मतलब है, इंट्रोस्पेक्ट करने का क्या मतलब? वो कह रहा है इंट्रोस्पेक्ट करने का मतलब है कि हम अपने ही मन का एक सिस्टम, अपने मन की वर्किंग का, अपने मन की जो पैटर्न है, उसके काम करने का तरीका है, वो कैसे सोचता है, मन के काम करने का तरीका, मन का काम क्या है? सोचना। तो सोचते कैसे हैं हम, उसका सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन करना, उसको समझना, उस पर ध्यान देना ही इंट्रोस्पेक्शन है। ये भी हो गया कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट द कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। ये अपना ही एग्जामिनेशन कर रहे हैं हम, वेयर वन परसीव्स, जहाँ हम परसीव करते हैं, एनालाइज यानी विश्लेषण करते हैं, रिपोर्ट माने लिखते हैं, अधिसूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं? वंस ओन फीलिंग्स, यानी अपनी फीलिंग को परसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, प्रक्षेप उसको समझते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसको लिखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नोटिस विच द माइंड टेक्स ऑफ इट सेल्फ, यानी हम अपने ही मन को अगर नोटिस करें, अगर ध्यान दें कि हमने कैसे सोचा, हम किस तरह से सोचते हैं, वही इंट्रोस्पेक्शन है। लेट अस सी द स्टेजेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन की स्टेजेस देखते हैं कौन कौन सी है। पहली है कि ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट द पर्सन बिगिंस टू पॉन्डर ओवर हिज और हर ओन मेंटल स्टेट, यानी कि कोई मतलब जैसे मान लीजिए हम बहुत दुखी हैं, तो जिस वजह से दुखी हैं उस पर हम मेंटल स्टेट हमारी सोचना शुरू करती है। पर्सन बिगिंस टू पॉन्डर ओवर, हम सोचना शुरू करते हैं अपनी मानसिक दशा के बारे में कि उस एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऑब्जर्वेशन से हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। द पर्सन बिगिंस टू क्वेश्चन द वर्किंग ऑफ हिज और हर ओन माइंड, हिज और हर ओन माइंड मतलब फिर हम अपने ही वर्किंग, जो हमारे मन की वर्किंग है, जो हमारे मन की कार्य पद्धति है, उसी को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं कि हमने ऐसा क्यों सोचा, हम ऐसा भी तो सोच सकते थे, या हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। He, she tries to frame the laws and conditions of mental processes. उसके बाद हम ये भी बार बार, अगर हम अपने मन की दशा का अध्ययन कर रहे हैं सिस्टमेटिक वे में बार बार कर रहे हैं, तो हम वो दशाएं भी निकाल सकते हैं, वो नियम भी फ्रेम कर सकते हैं कि जब ऐसा होता है तो हमारा मन ऐसे सोचता है, जब ये कंडीशन हमारे साथ आती है तो हमारा मन ऐसे सोचता है। ये है इंट्रोस्पेक्शन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, खासियत क्या है, विशेषता क्या है? द सब्जेक्ट गेट्स डायरेक्ट इमीडिएट एंड इंट्यूटिव नॉलेज अबाउट द माइंड, मतलब हमको हम अपना ही अध्ययन कर रहे हैं ना, हमारे और हमारे मन के बीच में कोई दूसरा नहीं है, कोई तीसरा नहीं है, तो ये एक डायरेक्ट हमको नॉलेज पता चलती है, इमीडिएट हमको तुरंत पता चल जाता है, इंट्यूटिव यानी कि कुछ इसमें इंट्यूशन का भी रोल है अपने मन के बारे में। फिर द सब्जेक्ट हैज एक्चुअली टू ऑब्जर्व हिज और हर ओन मेंटल प्रोसेसेस, ही कैन नॉट स्पेकुलेट अबाउट देम, मतलब हम प्रेक्षण करके, ऑब्जर्व करके, ध्यान करके, अटेंड करके, नोटिस करके अपने मन की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। हम कुछ स्पेक्युलेशन नहीं कर रहे, मतलब सोच नहीं रहे कि अच्छा ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, नहीं, स्पेक्युलेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है। ओके okay. फिर इसकी मेरिट्स, खासियत क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन डेटा इज फर्स्ट हैंड एज द पर्सन हिमसेल्फ एग्जामिन्स हिज और हर ओन एक्टिविटीज, मतलब ये फर्स्ट हैंड डेटा है, एकदम जैसा हमने सोचा वैसा हमने लिख दिया और अपने आप को हमने लिखा, इसलिए गलती होने की संभावना कम है। तो ये इसकी खासियत है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन्स ओन सेल्फ विच इज डिफिकल्ट बाई अदर मेथड्स, किसी भी और तरीके से अपने मन का अध्ययन करना, अपने मन के बारे में सूचित करना, सूचना निकालना बहुत मुश्किल है, तो यही मेथड उचित हो सकता है अगर आप अपने मन का अध्ययन करना चाहते हैं तो। इट इज एन इजी मेथड एंड नीड्स नो इक्विपमेंट, कोई आपको उपकरण, टूल, टेस्ट नहीं चाहिए,
बस आपको बैठना है और सोचना है और लिखना है. इट इज एन इजी मेथड उस सेंस में कहा जाएगा, एंड इट मेक्स अ बेस फॉर अदर मेथड सच एज एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशन मेथड. मतलब चूंकि ये ओल्डेस्ट मेथड है एजुकेशनल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी की फील्ड में, तो यही मेथड बेस बना आगे के मेथड्स के को तैयार करने में. जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड आया, बाद में एक्सपेरिमेंटल मेथड आया, मतलब प्रेक्षण विधि और ये आपकी प्रयोगात्मक विधि, ठीक है. और डीमेरिट्स बहुत ज्यादा है मेरिट से ज्यादा. दिस मेथड इज सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लैक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी. पूरी तरह से सब्जेक्टिव है, हम जो सोच रहे हैं वैसे ही हमने लिख दिया, पता नहीं हमने उसमें ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान दिया कि नहीं, बायसनेस का ध्यान दिया कि नहीं, कोई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उसमें. आप कहीं उसको टेस्ट नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते. मोस्ट सीरियस ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस मेथड इज दैट ह्यूमन माइंड इज नॉट स्टैटिक लाइक इन एनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन और चेयर्स. मतलब हमारा मन जो है वो स्टैटिक तो है नहीं, मतलब स्थिर तो है नहीं. मान लीजिए हम गुस्से में हैं और हमको यही लिखना है इंट्रोस्पेक्शन जाके कि हम कैसे गुस्से में आए, हमारे मन ने कैसे कैसे काम किया. तो जब हम गुस्से में हैं तब तो हम लिख नहीं रहे, और जब हम लिखने बैठे तो हम गुस्से में नहीं है. इसका मतलब मन उस दशा में है ही नहीं जब वो मन उस चीज का वर्णन कर रहा है. तो ये मतलब तो ये एक विरोधाभास हो गया ना. अवर मेंटल प्रोसेस इज अंडर कॉन्स्टेंट चेंजेस. हमारा मन तो प्रति क्षण बदलता रहता है. हम एक क्षण बहुत खुश हैं, एकदम मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, और अगले क्षण हम इतने खुश हैं अपनी जिंदगी से, हम बहुत उत्साही हैं. सो व्हेन वन अटेम्प्ट्स टू इंट्रोस्पेक्ट, इससे जब हम प्रयास करते हैं कि चलो अंतर्दर्शन करें, स्टेट ऑफ मेंटल प्रोसेस डिसअपीयर्स. जिस दशा का हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते थे वो दशा गायब हो चुकी होती है, एंड इट बिकम्स ए रिट्रोस्पेक्ट हो जाता है. मतलब जो चीज गुजर गई है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये इंट्रोस्पेक्शन एक्चुअली है ही नहीं. Okay, then Ross commenting on the limitation of introspection said the observer and the observed are the same. The mind is both the fields and the instrument of observation. वो कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी कमी और सीमा तो ये है कि observer यानी जो observe कर रहा है and the observed यानी जिसका observation करना है, दोनों तो एक ही है ना, दोनों आप ही हैं. तो जो मन है वो अध्ययन क्षेत्र भी है और वो उपकरण भी है, तो ये कैसे संभव है, ये असंभव है. फिर इंट्रोस्पेक्शन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड इन चिल्ड्रन इनसेन पीपल. मतलब जो थोड़ा सा जिनके संग कोई दिक्कत है या बच्चे हैं वो इंट्रोस्पेक्शन कर ही नहीं सकते. फिर देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स एज रिगार्ड्स द फाइंडिंग्स कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट इंट्रोस्पेक्शनिस्ट. अगर हम कई अंतर्दर्शन करने वालों से एक सेम सिचुएशन की रिपोर्ट की का तुलना करेंगे, मिलान करेंगे, तो हमको कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट मिलेगी. किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, कोई उसमें तुलनीय नहीं, अतुलनीय हो जाएगा. ओके, तो इतनी सारी डीमेरिट्स हैं, बट still this method is very important. Because why? Because it is the oldest method and it becomes the base for the future methods in the educational psychology. Okay, then observation. ये method भी बड़ा important है और ये तो आज तक use किया जाता है. Introspection अभी use नहीं किया जाता. With the development of psychology as an objective science of behavior, जैसे जैसे psychology का उद्भव हुआ, विकास हुआ मनोविज्ञान का, तो ये किस रूप में उभरी? ये व्यवहार के एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान के रूप में उभरी. So method of introspection was replaced by careful observation of human and animal behavior. तो जैसे जैसे इसका उद्भव हुआ तो introspection के method को replace कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया किसने? प्रेक्षण के method ने. तो प्रेक्षण का मतलब क्या है? Observation literally means looking outside oneself. इंट्रोस्पेक्शन क्या था? लुकिंग इनसाइड विद इन वन सेल्फ. ऑब्जर्वेशन क्या है? लुकिंग आउटसाइड, मतलब हमको अपने से बाहर देखना है. ऑब्जर्वेशन हैज बीन डिफाइंड एज मेजरमेंट विदाउट इंस्ट्रूमेंट. ये भी, इसमें भी किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेक्षण करना है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टडीज. सभी मुख्य जो आपके अनुसंधान के क्षेत्र हैं, जो अध्ययन क्षेत्र हैं, उन सब में डेटा के कलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. और फोर स्टेप्स आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन. अगर हम देखें तो प्रेक्षण के लिए जनरली ये चार स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं. पहला क्या? ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर. सबसे पहले हम क्या करते हैं? व्यवहार का प्रेक्षण करते हैं. फिर हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड. जिस व्यवहार का हमने प्रेक्षण किया उसको कहीं लिख लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं. फिर क्या करते हैं? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर. जो व्यवहार है उसका विश्लेषण करते हैं और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, और बाद में अगर बार बार हमको उसी तरीके का व्यवहार मिल रहा है तो उसको जनरलाइज कर देते हैं, सामान्यीकरण कर देते हैं, जो कि रिसर्च की मेन मांग है. ओके, और ऑब्जर्वेशन के तरीके, बहुत तरीके आपको मिल जाएंगे, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, आर्टिफिशियल ऑब्जर्वेशन, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब? कि जिस ग्रुप का हमको ऑब्जर्वेशन करना है हम उसमें पार्टिसिपेंट बन जाएंगे. मतलब
हम उसके खुद एक प्रतिभागी बन जाएंगे। मान लीजिए हमको क्लास 12th के बच्चों का ऑब्जर्वेशन करना है, तो हम खुद क्लास 12th का बच्चा बनके उसमें शामिल हो जाएंगे। इन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्रुप व्हिच ही वांट्स टू ऑब्जर्व। जिसका हमको प्रेक्षण करना है उसी का हिस्सा बन जाते हैं, उसी के पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज इज साइंटिफिक टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग डेटा हुज रिजल्ट्स कैन बी वेरीफाइड एंड रिलाइड अपॉन टू लोकेट बिहेवियर प्रॉब्लम्स। देखिए, आप जब उसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए तो एकदम आपको सटीक जानकारी मिल सकती है कि वो ग्रुप कैसे सोचता है, किसके प्रति उसके मन में अच्छा भाव है, क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है। बिल्कुल ना, क्योंकि वो आपको अपने समकक्ष समझेंगे तो वो सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि अलाउज फॉर इनसाइट इनटू कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप बिहेवियर। आपको अंतर्दृष्टि मिल जाती है कॉन्टेक्स्ट की, रिलेशनशिप्स की, व्यवहार की, एंड कैन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन प्रीवियसली अननोन टू रिसर्चर्स, दैट इज क्रूशियल फॉर प्रोजेक्ट डिजाइन, डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर डेटा। इससे आपको ऐसी जानकारी मिल सकती है जो पहले आपके लिए बिल्कुल भी अननोन थी, आप उससे बिल्कुल अज्ञात थे, और इससे आप बढ़िया काम कर सकते हैं अपना। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या, टाइम कंज्यूमिंग। अब मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर एंगल पे, पर्टिकुलर इश्यू पे डेटा चाहिए, वो बात हो ही नहीं रही है ग्रुप में, और चूंकि आप उनके पार्टिसिपेंट के रूप में है तो आप प्रोवोक तो करेंगे नहीं कि आप ऐसी बात कीजिए, इसलिए बहुत समय लगता है कि जब उपयुक्त समय आएगा और आपको डेटा मिलेगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन रिलाइज ऑन मेमोरी, पर्सनल डिसिप्लिन एंड डिलीजेंस ऑफ रिसर्चर। हम कितने अनुशासित हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम जो चाह रहे हैं कि हमको वो डेटा मिल जाए उसके लिए हम बच्चों को, उस ग्रुप को बार बार उत्तेजित कर रहे हैं कि आप ऐसी बात करो, ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो, तो उनको मतलब लगेगा कि हम कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं और वो अपना एबनॉर्मल बिहेवियर हमारे सामने शो करेंगे, नॉर्मल नहीं करेंगे। इसलिए ये तो बहुत हमको अपना रिसर्चर का डिलीजेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे, हम कितने स्वयं अनुशासित रहते हैं। और जो हमने आज नोट किया, मतलब आज हमने ऑब्जर्व किया, उसको अगर हमने तुरंत नोट नहीं किया तो हम भूल जाएंगे, तो मेमोरी पे भी डिपेंड करता है कि कितना हमको याद रह गया। फिर रिक्वायर्स कॉन्शियस ऑफ एफर्ट एट ऑब्जेक्टिविटी बिकॉज मेथड इज इनहेरेंटली सब्जेक्टिव। क्योंकि हम उसी ग्रुप का हिस्सा है तो हो सकता है कि हमारी खुद की सोच उनकी तरफ से तरह से मोल्ड हो जाए, तो हमको अपना ऑब्जेक्टिविटी बना के रखनी, मतलब हमको उस ग्रुप में शामिल नहीं होना है। अगर हम उसमें शामिल हो गए तो हमारी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी ना इश्यूज में और जो वो बातचीत कर रहे हैं उसमें, तो ये हमको ध्यान रखना है कि हमको डिटैच रहना है उस ग्रुप से। ठीक, तो बड़ा मुश्किल है ये, संभव मतलब असंभव तो नहीं है पर मुश्किल है। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम ऑब्जर्व तो करेंगे लेकिन हम ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। हेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स इन सच अ पोजीशन व्हिच इज लीस्ट डिस्टर्बिंग टू द सब्जेक्ट अंडर स्टडी। यानी जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम दूर से अध्ययन कर रहे हैं। द स्पेसिफिक बिहेवियर इज ऑब्जर्व इन नेचुरल सेटिंग्स विदाउट सब्जेक्ट्स गेटिंग कॉन्शियस दैट दे आर ऑब्जर्व बाय समवन। देखिए, जो सब्जेक्ट है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है, एकदम नेचुरल सेटिंग में आपको ऑब्जर्वेशन देखना है, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो वो अपना नॉर्मल या नेचुरल बिहेवियर करेंगे ही नहीं। तो इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, इसकी हानियां हैं, ऑब्जर्वर इफेक्ट, हम क्या देख रहे हैं वही हम नोट कर रहे हैं, हो सकता है हमारा एंगल ही डिस्टॉर्टेड हो और हम सही चीज ना देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम बार बार उसमें सब्जेक्टिविटी इंक्लूड कर दे रहे हैं, अपना सेल्फ इंक्लूड कर दे रहे हैं ऑब्जर्वेशन लिखने में, रिपोर्टिंग में, इंटरप्रिटेशन में। सेलेक्टिविटी, हम किसको चुन रहे हैं, हमने जिस ग्रुप को चुना है क्या हमने चुनाव सही किया है, अगर हमने चुनाव ही गलत ग्रुप का किया है तो सारे रिजल्ट्स गलत आएंगे। और इथिकल कंसर्न, बहुत ज्यादा इथिकल कंसर्न है कि हमने किसी का बहुत सेंसिटिव मुद्दा ऑब्जर्व कर लिया, फिर हम उसका कितना लिखेंगे, कितना बताएंगे, उसको कितना रिवील करेंगे, कितना छुपाएंगे, तो ये इथिकल कंसर्न भी बहुत ज्यादा है, इसमें हमको उसका ध्यान देने की जरूरत है। फिर मेरिट्स बहुत सारी हैं कि चूंकि ये नेचुरल और नॉर्मल वे में होता है, इसलिए नेचुरल एंड नॉर्मल वे ऑफ नोइंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड बट आल्सो द माइंड ऑफ द सब्जेक्ट। यानी कि हम व्यक्ति जो विषय है उसका मन भी, मन का भी प्रेक्षण करते हैं, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड का भी प्रेक्षण करते हैं, और नेचुरल और नॉर्मल तरीका है ये, इंट्रोस्पेक्शन से ज्यादा रिलायबल है और ऑब्जेक्टिव है। ये एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि वॉट एक्चुअली हैपन इन क्लासरूम, प्लेग्राउंड, जहां का भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, वहां एक्चुअली जो घटित हो रहा है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इन ए नेचुरल सिचुएशन, मतलब जो इंडिविजुअल है आप उसको नेचुरल सेटिंग में अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आप कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, तो आपको बेहतर डेटा मिल सकता है। और ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल बायस और प्रेजुडिस से फ्री है, अगर आप कोशिश करके दूर रहें तो। और चिल्ड्रेन और एबनॉर्मल पर्सन के लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन से उनका अध्ययन हो नहीं सकता, और इसको आप कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये सब इसकी खासियत, इसके प्लस पॉइंट्स हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं कि इसमें मुख्यतः दो तरीके की त्रुटियां हो जाती हैं, एक तो सैम्पलिंग एरर एंड ऑब्जर्वर एरर। सैम्पलिंग एरर का मतलब कि जो सैंपल हमने चुना है क्या हमने वो सही चुना है, वो हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, नहीं, सैंपल ही गलत है तो त्रुटि होनी ही है। ऑब्जर्वर एरर, हम ऑब्जर्वर हैं, हम हैं, हम क्या सही चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर एरर। ये दो एरर से मुक्त होना इसको बहुत जरूरी है।
फिर ऑब्जर्वेशन इज यूजफुल ओनली फॉर कलेक्टिंग डेटा अबाउट ओवर्ट बिहेवियर, यानी कि जो बाहर दिख रहा है हम सिर्फ उसी का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसी का कलेक्शन कर रहे हैं, अंदर जो चल रहा है उसका तो कर ही नहीं रहे, मेंटल प्रोसेसेस का हमको मिल नहीं रहा है. और सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वेशन का, उसमें तो हमारी सब्जेक्टिविटी आ ही रही है ना, तो ये एक बहुत बड़ा इसमें कमी है. उससे हमको दूर कैसे हो, ऑब्जेक्टिवली कैसे इंटरप्रिट करें, जैसे ही आप इंटरप्रिटेशन करेंगे आपकी सब्जेक्टिविटी इंटरप्रिटेशन में आ जाएगी. फिर क्लिनिकल, दिस मेथड इज प्राइमरली यूज टू कलेक्ट, इसको नैदानिक बोलते हैं, वो प्रेक्षण, प्रेक्षणीय हो गया, वो अंतर्दर्शन विधि हो गई, प्रेक्षण विधि हो गई, ये नैदानिक विधि. नैदानिक का मतलब हमको निदान करना है, निदान का मतलब दूर करना है कमी दिक्कत जो भी है. दिस मेथड इज प्राइमरली यूज टू कलेक्ट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ मेल एडजस्टेड एंड डीवियंट केसेस, मतलब जिनको कोई दिक्कत है, कोई साइकोलॉजिकल दिक्कत है, जो मेल एडजस्टेड है, जिनका जो कुसमायोजित है, जो डेवियंट केसेस है, उनके लिए ये यूज किया जाता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू स्टडी इंडिविजुअल केस, मतलब आपको एक केस लेकर स्टडी करना होगा. क्यों? क्योंकि डेवियंट केस है ना, कई उसके तरह के मिलेंगे भी नहीं, आप जनरलाइज कर भी नहीं पाएंगे. और केसेस ऑफ ग्रुप्स टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज, देखिए निदान करना है. आपको पहले डिटेक्ट करना है कमी क्या है, फिर आप उसको डायग्नोज करेंगे, पहचानेंगे, और फिर उनके लिए थेरेप्यूटिक मेजर्स सजेस्ट करेंगे, मतलब कैसे वो सुधर सकते हैं, उनमें सुधार कैसे हो सकता है, उसके लिए सजेशंस देंगे. इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, पहले आप इंटरव्यू कीजिए, आपने साक्षात्कार किया, आपने डायग्नोज कर लिया, डिटेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, आपने सूचना का संग्रहण कर लिया, फिर आपने एक हाइपोथेसिस बनाई कि ये दिक्कत इस वजह से हो सकती है, फिर आपने डायग्नोज किया कि हाँ वाकई ये दिक्कत इस वजह से है, और फिर आपने ट्रीटमेंट प्रोग्राम को प्लान किया और उसको बता दिया. तो ये भी लेस पॉपुलर है क्योंकि सिर्फ मेल एडजस्टेड और डीवियंट केसेस में होता है. तो इंट्रोस्पेक्शन सबसे पुराना है, अब नहीं यूज होता है लेकिन फिर भी काम का है, जानना चाहिए एटलीस्ट आपको. ऑब्जर्वेशन अभी भी यूज होता है और बहुत तरीकों में से पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ज्यादा यूज होता है, ज्यादा पॉपुलर है, और दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. और क्लिनिकल ये रहा. और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल मेथड है जो बहुत पॉपुलर है, जो आप बहुत मेनली चलता है, उसके लिए अलग वीडियो है, आप उसको सुन लीजिए, और एक केस स्टडी है उसका अलग वीडियो, आप उसको सुन लीजिए. तो ये पांच मेथड अगर आप जान गए तो आप कह सकते हैं कि आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के मेथड्स जानते हैं. एटलीस्ट आप ऑब्जेक्टिव सवाल और सब्जेक्टिव सवाल, ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक बेसिक समझ आपको हो जानी चाहिए कि ये क्या मेथड है, कैसे है, क्या इसकी खासियत है, क्या कमियां हैं, क्यों दूसरा मेथड आया. ठीक है, सो आई हैव कवर्ड दिस वेरी टॉपिक, सो गो थ्रू इट, लर्न इट, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई हैव डन फ्रॉम माई साइड. ओके.